दोस्तों आपका मेरी YouTube चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर शुरू करते हैं सुजोक थेरापी, सुजोक सीड थेरापी फॉर शोल्डर पेन। दोस्तों यह हमारे शरीर का आगे का भाग है और यह हमारे शरीर का पीछे का भाग है। यह हमारे सिर को दर्शाता है, यह हमारे छाती का भाग है, यह हमारे पेट का भाग है, यह दोनों हमारे हाथ के एरिया है, यह दोनों हमारे पैर के भाग को दर्शाता है, यह फिंगर हमारा लेफ्ट हाथ के भाग है, उसमें यह लेफ्ट शोल्डर है, यह लेफ्ट एल्बो है और यह लेफ्ट रिस्ट है। इस तरीके से यह लेफ्ट राइट आर्म है, इसमें राइट शोल्डर, राइट एल्बो और ये राइट रिस्ट का भाग है। अभी दोस्तों शोल्डर पेन के लिए इस यह एरिया को हमें ट्रीटमेंट देनी है लेफ्ट शोल्डर के लिए। तो यह लेफ्ट शोल्डर के एरिया को अच्छी तरीके से यह जिनी नाम के टूल से अच्छी तरीके से एक्यूप्रेशर देना है, उनको मसाज देना है 2 से 5 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से यह पॉइंट को एक्टिवेट करना है, या तो फिर आप कोई एक पॉइंट को फाइंड आउट कर लीजिए कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वह पॉइंट को आप एक्यूप्रेशर दे सकते हो, उनको रिलीज कर सकते हो। इस तरीके से सुजोक थेरापी फॉर शोल्डर पेन हो गई। अभी हम सुजोक सीड थेरापी करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं मेथी के दाने यूज़ करने वाला हूँ, फेनुग्रीक सीड को आपको 1 इंच की पेपर टेप पर अच्छी तरीके से लगा देना है और वह पेपर टेप को आपको फिर जो हमारा शोल्डर का एरिया है उस पर उनको चिपका देना है। यहाँ पर मैंने एक सिंगल पॉइंट के लिए, लोकल एरिया के लिए मेथी के दाने चिपकाए। आप पूरी टेप पर भी मेथी के दाने को चिपका कर पूरे शोल्डर के एरिया को भी कवर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मेथी के दाने इसीलिए लेना है क्योंकि मेथी के दाने नेचुरल स्टीरॉयड कहलाते हैं, वह हमें इंस्टेंट पेन में फ़ायदा करता है और दाने में जर्मिनेटिंग पावर होता है जो कि हमारे डिसीज़ को हील करने में फ़ायदा करता है। दोस्तों अभी कई बार होता है कि शोल्डर पेन के साथ गर्दन का दर्द भी होता है और एल्बो पेन भी होता है, पूरे हाथ में दर्द होता है, तो आपको उसके लिए यहाँ पर जो ये गर्दन का एरिया उनको ट्रीटमेंट देना है और यह एल्बो का एरिया उनको भी उनके साथ ट्रीटमेंट देना चाहिए। गर्दन का एरिया हमारे थंब के पीछे का एरिया होता है और यह हमारे एल्बो का एरिया है, उनको भी हमें सुजोक एक्यूप्रेशर देना है। तो इस तरीके से थंब के पीछे के एरिया को 2 से 5 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर देना है, अच्छी तरीके से मसाज देना है, उनके बाद वह एरिया पर सुजोक सीड से ट्रीटमेंट देना है। मेथी के दाने 1 इंच की पेपर टेप पर लगा के वह एरिया को कवर कर देना है 2 से 5 मिनट के लिए, हर एक घंटे फिर यह सभी दाने को दबाते रहना है और यह सभी दाने को आपको 5 से 6 घंटे रखना है। दिन में रख सकते हो या तो फिर रात में भी आप रख सकते हो। उनके बाद यह सभी दाने को निकाल देना है, दूसरी बार यह दाने को यूज़ नहीं करना है। यह चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है क्योंकि यह दाने एक बार यूज हो जाने के बाद उनका एनर्जी चली जाती है, उनका पावर ख़त्म हो जाता है, तो फिर वह हमें कोई काम के नहीं रहते। तो दोस्तों यह हो गई सुजोक सीड थेरापी फॉर शोल्डर पेन। अभी यहाँ पर जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है वह लेफ्ट शोल्डर पेन के लिए ट्रीटमेंट बताई है, लेफ्ट हैंड में। अगर आपको राइट शोल्डर पेन है तो यहाँ पर हमें राइट हैंड यूज़ करना है, राइट हैंड पर ट्रीटमेंट देनी है। तो अब उनके बारे में हम जान लेते हैं। यह हो गई लेफ्ट शोल्डर पेन के लिए सुजोक सीड थेरापी। तो यह लेफ्ट शोल्डर के लिए, अभी राइट शोल्डर के लिए यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट देनी है। तो यह हमारे राइट शोल्डर के लिए गर्दन का एरिया है, यह राइट शोल्डर का एरिया है और यह राइट एल्बो का एरिया है, उनको भी हमें जिस तरीके से लेफ्ट पर ट्रीटमेंट दिए उसी तरीके से ट्रीटमेंट देनी है। अभी हम सुजोक सीड थेरापी से ट्रीटमेंट देने वाले हैं शोल्डर पेन के लिए। तो पहले हम एल्बो के एरिया पर सुजोक रिंग से एक्यूप्रेशर करेंगे, उनके बाद यही रिंग को आप शोल्डर के एरिया पर भी घुमाकर उनको एक्यूप्रेशर दे सकते हो। 2 से 5 मिनट के लिए यह रिंग को सभी एरिया पर घुमा दीजिए। अभी हम नेक के एरिया पर यह रिंग को घुमा रहे हैं। तो दोस्तों यह रिंग मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, यह रिंग भी काफ़ी फायदा देती है शोल्डर पेन में। तो यह हो गई सुजोक थेरापी फॉर शोल्डर पेन, सुजोक सीड थेरापी
फॉर शोल्डर पेन। दोस्तों अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल पाए। लाइक और कमेंट देके मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।